ब्रेड की फिलिंग तैयार करेंगे और फिलिंग के लिए हमने लेनी है 1 कप बंद गोभी। बंद गोभी को हम बारीक चॉप कर लेंगे। 1 कप हम हरी प्याज लेंगे। हरी प्याज को वॉश करके अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। 1 कप हमने मटर लेनी है। मटर को हम बॉईल कर लेंगे। 1 दरमियानी साइज़ की प्याज लेनी है। प्याज को हम बारीक स्लाइस कर लेंगे। 2 से 3 हमने जालपिनो लेनी है। सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप किया है। अगर आप अपनी चॉइस की कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने लेनी है 1 कप बॉईल की हुई चिकन। चिकन को हम पहले अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसे बारीक श्रेड कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करके हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल पैन में गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, तब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट तक प्याज को ऑयल में सॉफ्ट करने के बाद हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। बाकी वेजिटेबल्स को भी 5 से 6 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स को 5 से 6 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अच्छी तरह से स्पाइसेस को भी मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। अब हम सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ब्रेड स्लाइस लेके इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के लिए हम कोई भी बेलन या फिर रोलर यूज कर सकते हैं। चारों तरफ से इसको प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से सारी साइड्स को और सेंटर को फ्लैट कर लेंगे। अच्छे से रोल हो चुका है। अब इसके कॉर्नर्स को हम नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी ब्रेड रोल्स भी तैयार कर लेंगे। सारे ब्रेड स्लाइसेस को हमने रोलर की हेल्प से अच्छी तरह से रोल कर लिया है। कॉर्नर्स को हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसका ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इसे कोटिंग में यूज करेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हम कोई भी चॉपर या ग्राइंडर यूज कर सकते हैं। कोटिंग के लिए हम लेंगे 2 eggs। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क। मिल्क ऐड करके अंडों को मिल्क के साथ अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे की कोटिंग बिल्कुल तैयार है, इसे हम साइड पे रखेंगे। ब्रेड स्लाइसेस के कटे हुए कॉर्नर्स को हम चॉपर में डालकर इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त सा फ्रेश होममेड ब्रेड क्रम्स रेडी है। अक्सर बच्चे भी ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स अलग कर देते हैं, तो उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इसका ब्रेड क्रम्स बनाइए और इसे किसी एयरटाइट बॉक्स में सेव कर दीजिए। क्रम्स को आप रोल, कबाब्स वगैरह की कोटिंग में यूज कर सकते हैं।
सेम प्रोसेस को फॉलो करके हम अपने सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लेंगे। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स बिल्कुल तैयार हैं। अंडे को भी हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और रोल्स भी हमने रेडी कर लिए थे। अब हम एक एक करके अंडे में और ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपने सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लेंगे।